तो गाइज यार कैसे हो आप सभी लोग, और यार दिल से स्वागत है CTSP की एक नई गेम प्ले वीडियो के अंदर। अब गाइज यार इस वाले मैच के ना हम लोग उतरे थे पोचिंग की। अब गाइज यहाँ पे यार मैं फटाफट लूट वगैरह करता हूँ, और गाइज ऊपर जाने के बाद मुझे शॉटगन मिल जाती है। अब गाइज जैसे ही शॉटगन मिली तो यार मैंने एक बंदे के लैंड होने की आवाज़ सुनी, क्योंकि यार गाइज यहाँ पे मेरी लैंडिंग काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। सबसे पहले उतरा था शायद पोचिंग के अंदर, सबसे पहले तो नहीं, शायद दूसरे या तीसरे नंबर पर। और गाइज अब यार देखो इस बंदे ने मेरे को कितना भगाया, यहाँ पर शॉट मारा लेकिन ये झुक गया, यहाँ पर भी बच गया और गैस यहाँ पे भी बच गया। लेकिन गैस एट देन जाके पांचवा शॉट इसको लग जाता है, और गैस उसके बाद मैं इस बंदे को फिनिश करता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी शॉटगन रिलोड करता हूँ, इस बॉट को मारता हूँ, और गैस उसके बाद इस घर में आता हूँ। और गैस यहाँ पे यार मेरे को टॉमी मिली, और अब देखो भाई जैसे ही टॉमी मिली तो यार बंदा मेरे ऊपर फायर करता है। अब गैस किस्मत बढ़िया थी कि यार उसके पास M16 दी गई हो भाई। फिलहाल यहाँ पे यार इसको जैसे जैसे करके अपन नॉक कर देते हैं, और हाथों हाथ यार फिनिश भी कर देते हैं। और गाइस यार यहाँ पे मैं ज़्यादा बार आ नहीं रहा था, क्योंकि यार गाइस सामने बंदे थे। अब गाइस यहाँ पे यार उसके बाद मैं वहाँ पे वहाँ से फटाफट इधर आता हूँ हील करके। लेकिन गाइस यहाँ पे यार वो बंदा मेरे को डैमेज कर देता है, और गाइस उसके बाद भाग जाता है। अब गाइस यहाँ से आवाज आती है मेरे को पीछे की साइड से, और गाइस जैसे ही पीछे की साइड आया तो ये बंदा दिख गया, और इसको यार तुम्हारे भाई ने पूरा भर दिया। अब गाइस यहाँ से यार इसकी M4 और AKM लेके इधर आते हैं। अब गाइस जैसे इधर आया तो यहाँ पे दो बंदे थे जिन्होंने यार अभी भी एक बंदे को मारा था। अब गाइस देखो यार कैसे बजाते हैं इन बंदों को। अब गाइस यहाँ पे उस मैं इधर आया उसको मारने के लिए, लेकिन भाई वो पूरा फ्लैंक करके मेरे पीछे आया। अब गाइस जैसे ही आवाज़ सुनी तो मैं उसको मारने के लिए घुस गया, और गाइस इस शॉटगन वाले को तुम्हारा भी बजा देता है। अब गाइस जैसे उसको मारा तो यार इसका टीममेट भी आ गया, और भाई इन दोनों बंदों को मार दिया। लेकिन भाई ये दोनों बंदे नॉक हुए थे, तो जाहिर सी बात थी कि यार मैं इनके टीममेट्स को ढूंढ रहा था, तो गाइस मैंने इन लोगों को फिनिश कर लिया ताकि यार इनके टीममेट आग बबूले हो जाए गुस्से में और मेरे को मारने के लिए है। अब उसके बाद यार मैं काफ़ी देर तक वहाँ पे टीपी भी लेता हूँ, बॉट फायर करता हूँ, काफ़ी टाइम वेस्ट करता हूँ, लेकिन यार वो लोग तो आते ही नहीं है। तो भाई मैं क्या करता हूँ, अपनी गाड़ी उठाता हूँ और यहाँ से निकल लेता हूँ। और गाइस कसम से यार इस गाड़ी के ऊपर मेरे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। एक तो भाई यार ये बिल्कुल भी सही से नहीं चलती, और ऊपर से हिलती डुलती बहुत है, और अगर इसको थोड़ी सी स्पीड की तो बीच रास्ते में पलटी खा जाती है। अब गाइस यहाँ से यहाँ पर यार मैं इस गाड़ी को गाड़ी की बुराई कर ही रहा था गेम खेलते टाइम, तभी यार सामने गाड़ी दिखती है, तो मैं गाड़ी की स्पीड तेज करता हूँ। और अब देखो भाई वहाँ पे यार गाड़ी दिखी तो यार, और गाइस इस बंदे ने जिसने मेरे को मारा तो यार ये उसी का टीममेट था जिसने मेरे को मारा, जिनके दो बंदे मैं पहले नॉक करके आया था ये उसका टीममेट था। तो भाई यार ये गाड़ी मेरे को कसम से बहुत ही ज़्यादा बेकार लगती है। और गाइस वहाँ पे यार मेरे को जब गाड़ी दिखी तो यार मैं लेने के लिए थोड़ी अपनी स्पीड स्लो कर ली, तो यार उसने भर के रख दिया। लेकिन कोई बात नहीं, दूसरे मैच में अपन पोचिंग की आते। अब गाइस उतरते मेरे को गन मिली, तो मैंने सोचा यार सीधा रश कर देते। अब भाई अगर आप लोगों को उतरते ही कभी भी यार गन मिल जाती है, और गाइस यार आपसे एक या दो सेकंड के बाद बंदे उतरे और आपको उतरते ही गन मिल गई, तो भाई कभी मत सोचना कि हेलमेट लूँ वेस्ट लूँ, सीधा घुस जाया करो। और गाइस तुम लोगों को उधर किल पे किल बैठने को मिलेंगे। अब जैसे इधर देखो यहाँ पे मेरे को सोने पर सुहागा हो गया, स्कारल भी मिल गई, और साथ में टॉमी भी मिल गई। और गाइस उसके बाद इधर आते हैं। अब गाइस इस बंदे का यार दूसरा टीममेट था, तो गाइस इसको भी भर दिया। अब गाइस उधर इसके बाद मैं इधर उधर देख ही रहा था, तभी और गाइस पीछे से बंदे की पैरों की आवाज़ आती है, जो कि यार इनका तीसरा टीममेट था। तो देखो यार अब इसको कैसे भरते, यहाँ पे वो चुक गया, लेकिन दूसरी बार मैं इसको भर दिया। अब गाइस इसको फिनिश तो कर रहा था, लेकिन भाई उतने में यार मेरे को आवाज़ आती है, तो मैं अपनी स्कारल लोड करता हूँ। अब गाइस इसी घर के अंदर से आवाज़ आई, तो भाई मैं ऊपर से तो भाई मैं ऊपर जा रहा था, इसका भाई चौथा बंदा समझ के टीम का आखिरी बंदा। अब गाइस जैसे इसको मारा तो मैं यहाँ से जा रहा था, लेकिन भाई तब मैंने देखा कि यार ये बंदा तो भाई सब नॉक हो गया, तो मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि यार इसका मतलब कि ये बंदा तो फिनिश होना चाहिए, क्योंकि यार इसकी पूरी टीम खत्म हो गई। पहले मैं दो बंदे मार गया, नीचे एक मारा, और अब इस चौथे को मारा, लेकिन भाई ये तो यार फिनिश हो गया। अब गाइस सामने से भी यार फिनिश किया, मतलब नॉक हो गया, सामने से यार फायरिंग आ रही थी, तब ये बॉट भाई साहब दिखते जो यार मिनी चला रहे थे। तो भाई मैंने सोचा इसको नॉक करके छोड़ देता हूँ, फिर मैंने सोचा यार हाथों हाथ फिनिश कर लेता, क्योंकि यार इस कारल में एमओ की थोड़ी बहुत कमी हो रही थी, तो यार हाथों हाथ इससे एमओ ले लेता हूँ। अब भाई यार यहाँ पे मैं डर रहा था, क्योंकि यार सामने की साइड कुछ बंदे थे, तो यहाँ पे यार भाई मैं फटाफट आता हूँ और लूट वगैरह करता हूँ। अब गाइस यार एक बात का आप लोग ध्यान रखा करो, जब भी यार आप लोग गेम खेल रहे हो, अगर भाई आप लोगों के पास चांस है ना तो ही आप लोग लूटने जाया करो। अगर गाइस आप लोगों को लगता है कि 100 में से 1% भी रिस्क है, तो भाई आप लोग कभी लूटने मत जाया करो, क्योंकि यार ज़्यादातर टाइम मैं भी यार पहले ऐसे ही मना करता था, अब धीरे धीरे यार आदत सुधार ली तो गेम प्ले भी बढ़िया जाने लगे। लेकिन भैया कोई बात नहीं, फिलहाल इधर आते। और गाइस अभी भी आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास वेस्ट तो है ही नहीं, हेलमेट के साथ ही लड़ रहा हूँ। और गाइस अब देखो यार यहाँ से मेरे को बंदे के फायर की आवाज़ आ रही थी, तभी यार भाई मैं इधर आता हूँ। अब गाइस जैसे इधर आया
लेकिन भाई वो बंदा क्या करता है यार, यहाँ से गायब हो जाता है। और गाइस उसके कूदने की आवाज़ भी नहीं है, पता नहीं क्या ट्रिक की थी उसने कि कूदने की आवाज़ नहीं है। अब गाइस जैसे यहाँ से देख रहा था तब यार पीछे की साइड से आवाज़ आती है, मतलब भाई उस बंदे ने दिमाग तो बढ़िया लगाया था कि यार थोड़ा थोड़ा फ्लैंक करके दीवार की साइड से भाग जाएगा। लेकिन यार कोई बात नहीं, मैंने इस बंदे को भर के रख दिया। अब गाइस जैसे इस बंदे को मारा तो यार इसके टीममेट के आने की आवाज़ आती है, जो कि यार टोटल दो बंदों के पैरों की आवाज़ आ रही थी। तो भैया मैंने सोचा कि यार ये तीन बंदे जिसमें से एक को तो मैं मार चुका हूँ, तो भैया यहाँ पे आता हूँ मैं दीवार के ऊपर टिप भी लेता हूँ। लेकिन भाई उसके बाद यार मेरे को इस घर के अंदर से आवाज़ आती है, तो मैं क्या करता हूँ यार यहाँ पे सिंपली एक नेट फेंक देता हूँ। अब गाइस जैसे यार इस घर के अंदर जा रहा था तब यार गाइस जैसे इधर कदम रखा तो भाई बंदा नीचे कूद गया एक बोर्ड के चक्कर में। इसीलिए कहते हैं यार भाई बोर्ड के चक्कर में मत रहा करो, बंदा मार के जाएगा। अब इसका जो दूसरा टीममेट था उसको भी यार मैंने भर के रख दिया। अब गाइस लेकिन यार मैं ये सोचा था कि जब ये दोनों बंदे नॉक हुए तो इसका आखिरी टीममेट का है। फिर यार भाई मैं एकदम कंफ्यूज हो गया। पहले यार इससे पहले मैंने ये अभी यार ये एक का ये सीन हुआ, मतलब तीन बंदे मारे और चौथा टीम बंदा गायब हो गया। इधर भी यार ये सीन हुआ कि तीन बंदे मारे और चौथा बंदा गायब हो गया। अब गाइस एक जब मैं यहाँ पर यही सोच रहा था कि यार कब वो चौथा बंदा आएगा और मैं कब उसको भी भजाऊंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। पहले मैंने इसको मारा कवर में आया, फिर इसको मारा फिर कवर में आया। अब गाइस यार मैं उस चौथे बंदे को काफ़ी देर तक ढूंढता हूँ, सामने जाता हूँ, आगे जाता हूँ, बॉट फायर करता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन मिलता ही नहीं है। तो कभी भाई मैं क्या करता हूँ कि यार सीधा इधर आ जाता हूँ अपने इस इवेंट के ऊपर जहाँ पे यार बंदे आंट मैन बनते हैं। गाइस जैसे इधर आया तो यहाँ पर तुम एक बंदे की हरकत देखा, मतलब इससे बढ़िया बंदा ना मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसे तो काफ़ी टाइम देखा है लेकिन फिर भी तुम इस बंदे की हरकत ज़रूर देखा। अब भाई यहाँ पर मैं उतरा तो भाई मैं नीचे उतरा था जब यार वो बंदा मेरे को मार सकता था, लेकिन गाइस उसके फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने क्या सोचा कि भाई इस बॉट को मारते नहीं है, क्योंकि यार ये जो बॉट था ये उस बंदे के ऊपर फायर कर रहा था। अब भाई मैं इस बॉट को फटाफट फिनिश कर देता क्योंकि यार ये तो जाने वाला था। तो कही भाइयों यार एक फ्री का किल क्यों नहीं लेंगे। अब भाई मैं समझ चुका था कि अब बंदा तो आसपास है, और तभी तुम देखो मतलब भाइयों यार टीपी भी लेना सही है, लेकिन यार इतनी टीपी भी मत लो, इतनी टिपी भी मत लो भाई हो कि यार तुम्हें पता ही नहीं चले कि यार बंदा कब आ रहा है। और गई हमेशा हेडफोन्स पहने खेला करो। और गई यार इतने इसकी यार मतलब इसी लेटे रहने की आदत के कारण यार ये मारा गया। अगर गई यार मैं गई अब गाड़ी से पहले उतरा था तो भाई हो ये मेरे को मार सकता था, क्योंकि यार इसके पास पूरा पूरा एंगल था, मेरे को तो पता भी नहीं था ये यहाँ पर बैठा है। लेकिन भाई मेरे को पता कैसे चला, बॉट की वजह से। तो भाई यार बॉट काफ़ी ज़्यादा मदद कर देते जब यार आप लोग मुसीबत में होते हो। लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल यार इधर आते हैं और यहाँ पे यार एक प्लेयर चली थी रोजोक के अंदर। अब गाइस आपको सामने वाले घर के अंदर प्लेयर दिख रही होगी स्क्वाड हाउस के अंदर। तो भाई मैं क्या करता हूँ, एक बहुत ही ज़्यादा लंबा फ्लैंक लेता हूँ और इधर आता हूँ। अब भाई मैं डायरेक्ट आगे नहीं जा रहा था क्योंकि यार अगर वो चार बंदे हुए तो मेरे को भर के रख सकते थे, और ऊपर से यार उनके पास वेपन भी थी बहुत ही बढ़िया वाली ड्रॉप वेपन्स। तो भाई मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से एक एंगल लेने की ट्राई करता हूँ, लेकिन मेरे को वहाँ पे तो कोई नहीं मिला। और गाइस उसके बाद जैसे ही यहाँ से जा रहा था तो भी यार मेरे को एक बंदे के पैरों की आवाज़ आती है। और अब तुम देखो यार कैसे बजाते हो उस बंदे को, और उस बंदे की भी हरकत देखो तुम लोग। गेट खुला और भाई खून के अंदर आके बैठ गया, एक कोने के अंदर चुपके से बैठ गया। पहले मैंने सोचा कि यार गेट खोल के घुसते, फिर मैंने सोचा कि उसके साथ मस्ती करते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट किल बटन ने। तो उसके बाद भाई उसको मारता हूँ तो यार बाकी तो ड्रॉप वाले बंदे तो मिलते नहीं है। फिर मैं यार अपार्टमेंट्स की साइड आता हूँ तो भाई यहाँ पे यार मैं काफ़ी देर तक तो घूमता वगैरह, लेकिन यार मेरा फ्यूल खत्म हो जाता है। उसके बाद भाई जैसे इधर आता हूँ मैं पहाड़ी की साइड, जब यार छोटा सा जोन हो जाता है तो यहाँ पर यार एक बग्घी आती है। अब गए इस बग्घी में दो बंदे थे और गए उसमें से यार एक बंदा इतना ज़्यादा चालाक था ना, मतलब अब भाई और उस बंदे ने मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर लिया था। अब गाइस उन बंदों के पैरों की यार आवाज़ मेरे को सामने से आ रही थी, लेकिन यार मैं डायरेक्ट पुश नहीं करता क्योंकि यार मेरे को पता था कि वो दो बंदे, तो मैं इस पेड़ के ऊपर टिपी भी ले रहा था, लेकिन तभी यार वो बंदा आता है। अब भाई यहाँ पे यार मैं इसको मार सकता था, लेकिन यार मेरे पास यहाँ पे चांस था कि मैं इसको मार दूँ, लेकिन यार इसका दूसरे टीममेट की मुझे पोजीशन नहीं पता थी। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर रुकता हूँ। अब गाइस यहाँ पे मैं ज़्यादा हिला डुला भी नहीं था, लेकिन यार पता नहीं उस बंदे को कैसे पता चल जाता है। भाई यार मुझे नहीं पता चला कि उस बंदे को कैसे पता चला कि यार मैं इधर बैठा हूँ, लेकिन गाइस अगर उस बंदे को पता भी चला तो भाई इतना ज़्यादा चलक था ना कि गाइस उस बंदे ने क्या किया कि वो पेड़ के ऊपर नेट नहीं फेंका, उसने गाइस आगे की तरफ नेट फेंका, क्योंकि यार उसको पता था कि जब वो आगे की तरफ नेट फेंकेगा तो यार मैं उसके ऊपर ज़रूर रश करूँगा। अब गाइस उसने ऐसा किया और मैं यार उसके दिमाग को समझ नहीं पाया, भाई उसने आगे की तरफ नेट फेंका और मैंने उसके ऊपर रश कर लिया। मैंने सोचा जो होगा जो देखा जाएगा, लेकिन नेट से तो बचूंगा, लेकिन भाई उसने आगे की साइड नेट फेंका और यार इधर ही मेरा काम खलास हो जाता है। तो यार भाई डेट सर यही था गेम प्ले। तुम लोग मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को पसंद आया होगा। अब अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नया आया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना, और अगर हो सके तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अब अगर जल्दी 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो तो यार बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। अब अगर सब्सक्राइब करने से आप लोगों का तो कुछ नहीं जाता, लेकिन यार हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो गाइज यार मिलते हैं फिर एक नई गेम प्ले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।